गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम अगेन। पेज नंबर 38 ऑफ योर ग्रामर बुक। टेंसेस, सिंपल प्रेजेंट टेंस आप पढ़ चुके हैं अनेक बार। सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज करने के लिए हमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज करना होता है, तो वो सिंपल पास्ट बन जाता है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम सेकंड फॉर्म में लाते हैं तो वो सिंपल पास्ट कहलाता है। इस वर्ब के आगे पीछे कोई दूसरी क्रिया, कोई हेल्पिंग वर्ब हम ऐड नहीं करते। जैसे आई ईट, इसको आप सिंपल पास्ट में बनाएंगे तो ईट की सेकंड फॉर्म आप अप्लाई करेंगे आई एट। अब आई एट और आई ईट, अब आई ईट को अगर आप नेगेटिव में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे बताइए। जैसे एक सेंटेंस है, मैं इसमें मेन वर्ब यूज नहीं करूंगा, जैसे ही इज ए कारपेंटर, एक छोटा सा सेंटेंस है, इसको निगेटिव बनाएंगे आप, कैसे बनाएंगे, ही इज नॉट, आप इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। लेकिन अगर सेंटेंस इस तरह का हो जिसमें मेन वर्ब यूज किया हो, आई ईट, आई प्ले, ही गोज, ही वॉक्स, इस तरह के सेंटेंस है, इस तरह के सेंटेंस में हम नॉट के साथ क्या लगाएंगे बताइए। हम यूज करेंगे, अगर प्रेजेंट है तो हम यूज करेंगे डोंट, डू नॉट, हम इसमें डू लगाएंगे। जितनी भी मेन वर्ब है जिसके तीनों फॉर्म बनती हैं, गो वेंट गोन, वॉक वॉक वॉक, स्लीप स्लैप स्लैप, वर्क वर्क, ये जो फॉर्म्स हैं इनको निगेटिव बनाना या इंट्रोगेटिव बनाना, बनाने में हम डोंट या डजेंट लगाते हैं। डोंट डू कब लगता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं होता, और डज कब लगता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। ये बात आपको ऑलरेडी पता है, कई बार रिवाइज हो चुकी है, और ऐसे ही पास्ट टेंस, डोंट और डजेंट सिंपल प्रेजेंट है। पास्ट टेंस में आई एट, आई वॉक्ड ऑन ए फुटपाथ, ऑन द रोड, तो वॉक्ड है, इसको निगेटिव बनाइए आप। निगेटिव कैसे बनाएंगे, वॉक्ड सेकंड फॉर्म है। अब ये भी डू डज से बनेगा, लेकिन चूंकि पास्ट टेंस है इसलिए हम वॉक्ड सेकंड फॉर्म के लिए हम डू की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, डिड, तो डिड नॉट हो गया, आई डिड नॉट। अब वॉक्ड का इक्वल हमारे पास डिड आ गया, जब कुछ सेकंड फॉर्म है, वॉक भी सेकंड है, तो हम वॉक को अब फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डिड के साथ हमेशा हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इस बात को आप याद रखिए। तो इस तरह से आप निगेटिव बनाने में अक्सर आप लोग मिस्टेक करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट, अक्सर आप लोग गलती करते हैं इसमें, तो ये ध्यान रखें। ये डज नॉट, डू नॉट, सिंपल प्रेजेंट, और पास्ट हो तो डिड नॉट, केवल डिड लगता है। अब इस देखिए, सिंपल पास्ट में एक टेंस जो अक्सर आपको कंफ्यूज करता है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। सिंपली हम पास्ट परफेक्ट टेंस को इस तरह यूज नहीं करते जैसे हम सिंपल पास्ट को कर लेते हैं। जनरली ये जो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस सिंपल पास्ट के साथ इस्तेमाल होता है। जब बात मैंने आपको पहले बताई थी, जब दो काम, आप ये समझे, जब दो काम लगभग एक साथ साइमल्टेनियसली चल रहे हो, थोड़े से अंतर के साथ, विद ए स्लाइट इंटरवल, विद ए स्लाइट गैप, तो ये जो अंतर है, जैसे आप एग्जांपल देखें यहां पर, द पेशेंट हेड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, हम देख रहे हैं यहां पर टू क्लॉजेस, बिफोर से पहले और बिफोर के आफ्टर। बिफोर से पहले हमने क्या लगाया, हेड, मतलब पास्ट परफेक्ट लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि ये काम पहले से पहले हो गया, मतलब दो काम है, पहला काम क्या है, पेशेंट की डेथ हो जाना, और दूसरा है डॉक्टर का आना, दो काम है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। पहला काम कौन सा हुआ, पेशेंट पहले मर, पेशेंट की डेथ पहले हुई,
और डॉक्टर उसके बाद है। तो दो काम, जो काम पहले हुआ है वहां तो लगाएंगे आप हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो काम उसके बाद हुआ है वहां लगाएंगे आप ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। पास्ट परफेक्ट टेंस जनरली इस तरह इस्तेमाल हुआ करता है टू क्लोजिंग के साथ, मतलब सिंपल पास्ट के साथ में पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल होता है जिसमें कंजक्शंस आफ्टर, बिफोर और कुछ और इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे यहां बिफोर लगा, बिफोर द डॉक्टर केम, आफ्टर भी आता है इसमें, कुछ और भी आ सकते हैं, तो इस तरह की जरूरत। इसके बाद पेज नंबर 41 जो आप देखें, इसका यूज, सेकंड यूज, एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट, वो काम जो हो चुका है किसी पास्ट में किसी लम्हे पर, जैसे अरुण हैड लेफ्ट फॉर होम बिफोर 10 o'clock, यहां पर भी बिफोर 10 बजे से पहले अरुण घर के लिए रवाना हो चुका था। द फ्लाइट हैड टेकन ऑफ बिफोर, आप देख रहे हैं बिफोर आफ्टर इनका यूज किया जाता है और इनके साथ टाइम पीरियड दिया हुआ होता है। पेज नंबर 42 पे देखें, टू इंडिकेट एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट बट इट्स इफेक्ट, वो काम जो पास्ट में पूरा हो गया हो चुका है लेकिन इसका प्रभाव, उसका असर, इफेक्ट कैन बी फेल्ट, महसूस किया जा सकता है उस वक्त जब आप ये बात, जब आप कोई बात कर रहे हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझे, रमन हैड फ्रैक्चर्ड हिज लेग इन एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट में रमन की टांग फ्रैक्चर हो गई थी, अब सो ही इज इन पेन, इसलिए उसको दर्द महसूस हो रहा है, मतलब द पेन इज लिंगर ऑन, दर्द उसके, तो इस सेंस में भी, इस इफेक्ट के अंदर भी आप पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है, राहुल हैड पिक्ड द 8 o'clock फ्लाइट सो ही रीच्ड इन टाइम। इस तरह आपने देखा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में डिफरेंस, और निगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव बनाना, ये आपके एग्जाम में आने वाले हैं, एक्सपेक्टेड हैं, उनसे आप तैयारी कर लें। उसके बाद है जी, ये आपके टोटल 3 चैप्टर्स हैं, 3, 4, 5, फर्स्ट सेकंड आपके ओमिटेड हैं। दूसरा वर्क जो आज मैंने आपको दिया है, वीडियो आपने देखा होगा, उसमें नोटिस और लेटर इन दोनों को आप लर्न कर लें, पक्का याद कर लें। स्पेलिंग पर विशेष ध्यान देना है आपको, स्पेलिंग याद करने में स्पेलिंग के मार्क्स कट जाएंगे आपके अगर आप करते हैं तो। इस तरह से आपका वर्क इनको याद करना है, लर्न करना है, जितने रूल्स रेगुलेशन हैं, डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशन परिभाषाएं आपके एग्जाम में आने वाली है, ठीक है, वो याद कर लें आप। बस ईडियम्स आएंगे, आप ईडियम को याद करें 1 to 10 तक, ईडियम और प्रोवर्ब है, कहावत है, ठीक है, लेसन नंबर 3 में है ये कहावत है, 3-4 कहावतें आएंगी आपकी, प्रोवर्ब आएंगी, बस इन सब की तैयारी कर लें और ऑनेस्टली ईमानदारी के साथ एग्जाम अटेम्प्ट करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।